आज के समय नवरत्न पाउडर काफी ज्यादा फेमस है और ये पाउडर का डिब्बा हर एक घर में जरूर मिल जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि नवरत्न का ये पाउडर आखिर बनता कैसे है? तो इस खास चीज को बनते हुए देखने के लिए हमारे इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज से पहले इस पाउडर को बनते हुए आपने शायद ही कभी देखा हो। नवरत्न के इस पाउडर को सबसे पहले बनाने के लिए सफेद रंग के बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि जमीन के नीचे मौजूद होते हैं। सबसे पहले तो उस जगह को फाइनल किया जाता है जहां से जमीन के नीचे खुदाई करके पत्थरों को निकाला जाना है। जब जगह फाइनल हो जाती है तब बड़ी बड़ी मशीनों को खदानों के पास में लेकर आया जाता है और फिर शुरू होता है यहां पर तोड़फोड़ का काम। खुदाई के बाद जमीन के नीचे से सॉफ्ट स्टोन को निकाला जाता है जिनका रंग सफेद होता है। ये जो स्टोन आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर कार्बोनेट क्लोराइड और टाल्क मौजूद है और इसीलिए इसकी मदद से जो पाउडर हम बनाते हैं उसे हम टाल्कम पाउडर कहते हैं। जमीन के अंदर इन पत्थरों को निकालने के बाद अब इन्हें एक बड़े से ट्रक में भरकर फैक्ट्री की तरफ ले जाया जाता है और यहाँ से शुरू होता है पाउडर बनने का असली काम। वही पाउडर जिसे आप अपने चेहरे पर लगाते हैं और चेहरे पर ग्लो लाने की कोशिश करते हैं। फैक्ट्री के अंदर बड़े बड़े ग्राइंडर्स होते हैं और इन्हीं के अंदर अब ये बड़े बड़े पत्थरों को डाल दिया जाएगा जिनका काम है इन पत्थरों को काटकर इनके साइज को छोटा कर देना। जैसा कि आप यहाँ पर इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि कैसे ये कट गए हैं और इसे कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख के अब आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जो पत्थर खराब होते हैं उन्हें उठा उठा कर कन्वेयर बेल्ट से अलग किया जाता है। ये सारा काम करने के बाद अब एक बड़े से मिक्सचर मशीन में इन पत्थरों को डाला जाएगा और इन मिक्सचर मशीन का काम होता है इन पत्थरों को पीस कर इनका बिल्कुल ही महीन बुरादा बनाना। अब इस पीस चुके पाउडर के अंदर कंकड़ पत्थर भी काफी रहते हैं जिन्हें अब निकालने का काम किया जाता है और इस काम को करने के लिए इस पाउडर को एक छलनी वाली मशीन में डाल दिया जाता है। तो अब ये जो पाउडर देख रहे हैं ना, ये किसी भी काम का नहीं है और ना ही इसमें किसी भी प्रकार की कोई खुशबू आई है। तो अब इसे खुशबूदार बनाने के लिए इसके अंदर डाला जाएगा केमिकल। सभी प्रकार के केमिकल्स और फ्रेग्रेंस को इसमें डालने के बाद इसमें कुछ और चीजें भी मिलाई जाती है जिससे कि इसे लगाने पर हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। पूरे पाउडर को अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ से इस पाउडर को भेजा जाएगा पैकेजिंग यूनिट में जहाँ पर इन्हें इनके डब्बों में भरा जाने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पैकेजिंग यूनिट में कई सारे डिब्बे मौजूद हैं जिनके अंदर पाउडर भरने का काम यहाँ पर ये ऑटोमेटिक मशीन्स कर रही हैं। इन मशीनों के अंदर ये पाउडर पहले से ही फिल रहता है और ये एक एक करके ये मशीन इन डिब्बों के अंदर इन्हें भरती जाती है। यहाँ पर हर एक डिब्बे में इक्वल अमाउंट का ही पाउडर डाला जाता है। जब सारा काम यहाँ पर फिनिश हो जाता है ना, तब बारी आती है अंतिम प्रक्रिया की, यानी कि इन डिब्बों को पैकेट में डालकर इन्हें मार्केट की तरफ भेजने की। बड़े बड़े ट्रक्स में भरकर इन्हें अब यहाँ से फैक्ट्री से मार्केट की तरफ भेजा जाता है। आज के समय हमारे देश में नवरत्न कंपनी ने अपने प्लांट्स कई जगह पर लगाए हैं और हर एक प्लांट में हर साल ना जाने कितने पाउडर बनाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप कौन से ब्रांड का पाउडर लगाना पसंद करते हैं इसके बारे में हमें कॉमेंट में लिख कर बताइए, हम जरूर आपको ओपिनियन जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, देखा ना आपने किस तरीके से फैक्ट्री में नवरत्न के पाउडर को बनाया जाता है। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बगल में मौजूद उस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा और मिलते हैं एक नई वीडियो में।